सो भाई अभी निकल लिया हूँ चप्पल में आवारागर्दी करने, एंड यहाँ से जा रहा हूँ अभी दो दोस्तों को पिक करने, हैरी को और सन्नी को। फिर हम जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। एक सेकंड गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दूँ। और बड़े दिन हो गए भाई कुछ अच्छा खाने पीने गई नहीं है, एंड मेरा कुछ अच्छा खाने पीने का मन है। सो अभी दो दोस्तों को पिक करने जा रहा हूँ, फिर उनके साथ निकलेंगे हम बाहर। तो भाई जितना अनप्रडिक्टेबल हार्दिक पंड्या का कमबैक था, उतना ही अनप्रडिक्टेबल यहाँ का भी मौसम हो रहा है। कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी बारिश रुक रही है, सो सीन ख़राब हो रहे हैं। बारिश अच्छी लगती है पर सिर्फ स्टार्टिंग के दो दिन। सो मतलब अब ये मत बोलना कि फसल वसल मैं कैसे खाना कैसे खाएंगे, मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। तो भाई देख लो, सेम टी शर्ट डाल के आ चुका है, शर्म नहीं आ रही है, मैं गाड़ी ऑन कर दूँ। सो भाई देख रहे हो, यही टी शर्ट मैंने इसको गिफ्ट करी थी, मैं अपने लेने नहीं गया था और साथ में सेम टी शर्ट इसको दे दी थी। बाकी दिखा देता हूँ, दोनों ने सेम टी शर्ट डाल रखी है। ये भाई यूँ कर देना, हिलाने में एक्सपर्ट है। सो गाइस सन्नी को भी पिक कर लिया हमने, और अब हमारा प्लान है KFC जाने का। पचगांव जा रहे हैं हम। और कल रात को ना भाई मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पे एक रील आ गई थी, वुड यू रेदर वाले, जो आपने देखा होगा गेम वगैरह। सो अभी मैं हैरी से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वैसे ही। सो भाई हैरी, क्वेश्चन ये है कि वुड यू रेदर डेट अ रिच एंड ब्यूटीफुल गर्ल, और वुड यू रेदर डेट अ अगली, और मतलब मीडियम लुक्स वाली, और मतलब कि मीडियम क्लास, पुअर या मीडियम क्लास, कौन सी वो डेट करना चाहेगा? लॉयल है वो, लॉयल नहीं है लेकिन रिच वाली, तो तू किसको डेट करेगा? भाई देखो बात ऐसी है, रिच को ही करूंगा, क्योंकि हमारे क्या है कि राव साहबों में अगर लिया है लड़की तो बदनामी हो जाएगी पूरे गांव में। क्या मतलब बना इस बात का? काली कलूटी ले आया है। अबे भाई, अबे क्या बोल रहा है? लॉयल तो कुत्ता भी होता है भाई मेरा। बस मेरा भाई सेम भाई, सुन तो मेरी पूरी बात सही। हां ठीक है, बोल बोल भाई। रिच को क्या है कि कल को मर मुरा गई तो पैसे तो रहेंगे अपने में, दूसरा ब्याह कर लेंगे। अब वो कल को मर मुरा गई, कहीं हार्ट अटैक से मर गई अगली वाली, मेक सेंस ना? प्यार ना, प्यार रहा ना, लॉयल्टी रही ना, पैसा रहा। सो ठीक है ठीक है, मैं अपना, सो गाइस मेरा टेक इस पे बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा ब्रो हार्दिक, सो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ब्रो? सो भाई मेरा तेरे जैसा टेक नहीं है, मेरा बिल्कुल इस पे टेक अलग है। क्योंकि देख, आज मैं सीरियस बात बोलने वाला हूँ भाई, इस पे कुछ वो मत करना। देखो आज के टाइम पे ना लोगों को ना इमोशनल नीड और मेंटल नीड्स अपनी, जो वही पार्टनर सेटिस्फाई कर सकता है जो लॉयल हो। तो ये नहीं होता कि भाई आप पैसे के चक्कर में किसी भी लड़की को डेट कर लोगे जो आपके साथ लॉयल नहीं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपकी मेंटल पीस को ना बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और पैसा भाई बंदा खुद भी कमा सकता है। सो भाई मैं रिच लड़की चुनूंगा। भाई 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 चलो अब KFC आ गए हैं भाई हम लोग, और बाहर पता नहीं क्यों खड़े हैं भाई। चल यार, ये क्या बिजनेस मीटिंग चल रही है भाई? मैक्सी, ये कहाँ से मिली है वीडियो? अरे मैक्सी नहीं है भाई ये। चलो चलो मैक्सी, मैक्सी मैंने तू कह रहा ना, मैं व्लॉग में धीरे धीरे, इस बंदे को 93 की उम्र में कामयाबी मिली थी KFC वाले को, सो मैं तो अभी सिर्फ 21 साल का हूँ। तेरे को कब मिलेगी भाई? इसको 99 में मिली थी। भाई हमने एक बिगेट बकेट ले लिया, इसके अंदर 5 हॉट एंड क्रिस्पी हैं और 3 वो है स्मोकी। उधर से जाके ले ले, बर्गर दे रहे हो भाई। पेरी पेरी इज लव ब्रो, लव। ये KFC के अंदर लोता बंदा है जो वेज खा रहे हैं, मतलब KFC का नाम डुबाने वाले यही लोग हैं। बाकी ये दबा के पेड़ रहता। ओके भाई, यार देखो KFC का ना मैं रिव्यू क्या ही दूँ, सबने खा रखा है तो बस रिव्यू तो देना बनता है। यम्मी एज ऑलवेज, तो भाई अभी आए थे पचगांव, एंड यहाँ से सन्नी ने अपने ले लिया जलेबी रबड़ी। सन्नी प्लीज दिखाना एक बारी। तो भाई जलेबी रबड़ी ले लिया, अब इसको बैठ के खाएंगे गाड़ी में। एंड तीसरी बारी क्लिप डालूँ, क्योंकि हर बार ये कुछ ना कुछ फालतू बोल रहा था। अब भी बोल ले भाई कुछ, क्यों लेने दे रहे क्लिप, चले घर। अरे भाई ये जलता है कि तेरा व्लॉग व्लॉग ना चल जाए, क्योंकि ये तो बहनचोद खत्म यूट्यूबर है एकदम, डेड है, डेड डेड चैनल। चलो ज़्यादा नहीं बोलते इस चीज़ के बारे में। भाई पिछले 15 मिनट से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गलत वाला ट्रैफिक हो रहा है। इधर एक रोड बन रही है, उस चक्कर में पूरा रास्ता जाम हो रखा है। तो 40 मिनट का रास्ता है, 1 घंटे का हो चुका है। सो गलत सीन हो रहे हैं भाई, अभी फ़ोन रख रहा हूँ, बाकी का व्लॉग घर पे कंटिन्यू होगा। भाई सुबह सुबह 500 रुपये का नुकसान हो चुका है। मैं कुछ शूट कर रहा था ट्राईपोड पे लगा के, एंड वो ट्राईपोड जो है मेरे वाला इतना टाइट है, उसने देखो कवर का क्या हाल कर दिया भाई। पूरा कवर साइड से टूट चुका है, वो इतना टाइट ट्राईपोड है या कवर हल्का है पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, पर 500 रुपये नुकसान हो चुके हैं। 4-5 महीने चला है ये कवर, एंड अब जाके मेरे को दूसरा कवर लाना पड़ेगा। शाम को जाऊँगा, क्योंकि अभी नहाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा, सो शाम तक मैं आराम से जाऊँगा कवर लेने के लिए। सो मूड ऑफ,
वन लाइफ। तो चंदू भैया, आपको पता है कि अंबानी के बच्चों की शादी हो रही है, आपको पता है? हाँ पता है बिल्कुल। और उसमें एक बंदा आया जस्टिन बीबर नाम का, उसमें पता है आपको कितने पैसे लिए हैं, अंबानी ने उनको कितने पैसे दिए हैं शो करने के, गाना गाने के? उस पर 2 करोड़ रुपया दिए हैं। नहीं गैस मारो आप, ये 2 करोड़ तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, क्या मतलब कितना हाईएस्ट हो सकते हो? हाईएस्ट में इतना ही है, ये 2 करोड़ तक हमारे अंदाज है कि दिए हैं, उसके बाद में अब वो कितने दिए नहीं दिए वो तो उसके डिसाइड करता है कि। सो भाई आप लोग भी गैस मारो, और 3, 2, 1 मैं आपको बता रहा हूँ, अंबानी ने उसको 84 करोड़ रुपए दिए हैं भाई, 84 करोड़ रुपए। और क्या सिस्टम है भाई ये। और मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात, चंदू भैया आपकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी जस्टिन बीबर की तरह लगती है, शायद मिलती हो अच्छी लगे। भाई 84 करोड़ देने के बाद भी जस्टिन बीबर एक कच्चे बुनैन में आया है भाई, कच्चे बुनैन में, क्या भाई क्या। और ऊपर से देखो लोग हेट क्यों कर रहे हैं, लोग मतलब नहीं, आप 84 करोड़ दो, 184 दो, लोगों को कोई मतलब नहीं है, सब अपने उससे खुश हैं। पर आपने उसके बाद जियो के रेट क्यों बढ़ा दिए भाई, पिछली वेडिंग उसमें आपने तब बढ़ा दिए, फिर उसमें तब बढ़ा दिए। वैसे मेरे पास एयरटेल है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर उसके कॉम्पिटिटर्स ने भी देख देख के रेट बढ़ा दिए, तो एयरटेल ने भी रेट बढ़ा दिए, मेन बात ये है। तो यार देखो दिस इज़ लाइक टू मच, 25% रेट बढ़ा दिए, 25% बहुत ज़्यादा है। क्यूट एनालिसिस, हार्दिक मलिक, वन लाइफ, सब्सक्राइब, लाइक। सो भाई अभी एलविश यादव का ब्लॉग देख रहा था मैं, एंड मतलब इंस्टाग्राम पर भी पहले देख लिया था कि विशाल पांडे को और महान मलिक ने थप्पड़ मार दिया है, मतलब वो बंदी कुछ गलती भी नहीं थी भाई, अगर कोई बिग बॉस देख रहा हो तो आप लोगों को पता होगा उसने कुछ करा भी नहीं है, पर अनिल कपूर भी उसको टारगेट कर रहा है और पायल ने बेफालतू में उसको टारगेट करा और भाई उसको थप्पड़ मार दिया अरमान मलिक ने, गलत कर रहा है भाई, थप्पड़ मतलब है। और क्या मतलब क्या बोला थप्पड़ मारने का, शायद से मारा है, नहीं मारा, देखो क्या वो करा है इन्होंने, रूमर है, तो देखेंगे आज वाले एपिसोड में दिखाएंगे सारी की सारी चीज, एक बार बंद करना भाई, तो आज वाले एपिसोड में दिखाएंगे सारी की सारी चीज़। और इसी के साथ कर रहा हूँ व्लॉग को एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय टाटा वन लाइफ बाय।